कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा एवरीवन। 8:58 हो रहा है और चलिए एक मिनट में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास, है ना। हरे कृष्णा सो एक मिनट कीर्तन करना है। ओके मैं कुछ याद कर रहा था। I don't know, दम ब्लैंक हो गया। ओके हाँ हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम समझने का प्रयास। जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। सबसे पहले राशि माता जी, हरे कृष्णा प्लीज स्टार्ट। भगवान रामचंद्र ने एक पत्नी रखने का तथा किसी अन्य से संबंध न रखने का व्रत ले रखा था। वे एक साधु राजा थे और उनका चरित्र उत्तम था, क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। उन्होंने हर एक को विशेष रूप से गृहस्थों को वन आश्रम धर्म के रूप में सदाचरण का पाठ पढ़ाया। इस तरह उन्होंने अपने निजी कार्यकलापों से सामान्य जनता को शिक्षा दी। तात्पर्य, श्री रामचंद्र जी ने एक पत्नी व्रत का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया। लोगों को एक से अधिक पत्नी नहीं बनानी चाहिए। उन दिनों लोग एक से अधिक पत्नी से विवाह करते थे, यहाँ तक कि श्री रामचंद्र जी के पिता के भी एक से अधिक पत्नियां थी, किंतु भगवान रामचंद्र ने आदर्श राजा के रूप में केवल एक पत्नी सीता देवी को स्वीकार किया। जब रावण तथा अन्य राक्षसों के द्वारा सीता जी का अपहरण हो गया था, तो भगवान रामचंद्र चाहते तो हजारों सीताओं से ब्याह कर सकते थे, किंतु हमें यह शिक्षा देने के लिए कि वे अपनी पत्नी के प्रति कितने निष्ठावान थे, उन्होंने रावण से युद्ध किया और अंत में उसे मार डाला। उन्होंने रावण को दंड दिया और अपनी पत्नी की रक्षा लोगों को यह शिक्षा देने के लिए कि वे एक पत्नी व्रत बने। भगवान रामचंद्र जी ने केवल एक पत्नी स्वीकार की और आदर्श चरित्र प्रकट किया। इस तरह उन्होंने गृहस्थों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। गृहस्थों को चाहिए कि भगवान रामचंद्र के आदर्श के अनुसार जीवन बिताए, जिन्होंने यह दिखलाया कि किस तरह पूर्ण व्यक्ति
बना जाए। गृहस्थ होकर या पत्नी तथा बच्चों के साथ रहने की कभी भर्त्सना नहीं की जाती, बशर्ते कि वर्ण आश्रम धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत किया जाए। जो लोग इन सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताते हैं, वे चाहे गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी अथवा वानप्रस्थ, सभी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका माइक। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आई एम सॉरी, मैं अनम्यूट किया था पर आवाज में। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बाकी लोग अच्छा कार्य करते होंगे, बाकी लोग अपने आप को शुद्ध बनाने के मार्ग पे चलते होंगे। बहुत उच्च उच्च धर्म का पालन करते होंगे, परंतु हम तो निपट मूर्ख हैं। हम मात्र चैतन्य महाप्रभु के कहे गए शब्दों का ही पालन करने का पूर्ण रूप से प्रयास करें। हम उनके कहे गए मार्ग को ही प्रचार करने का पूर्ण रूप से प्रयास करें। आप सोचिए, वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने के स्थिति में अभी क्या होगा। होना तो चाहिए, अभी पीछे श्लोक में भी बताया गया, जो लोग 4 PM पे जुड़े होंगे वो सुने होंगे। बताया गया कि वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम का पालन करना चाहिए। परंतु समझिए, स्थिति विकट हो चली है, हैं? सिचुएशन खराब हो चुका है। लोग वर्णों का पालन नहीं कर रहे, लोग आश्रमों का पालन नहीं कर रहे, लोग सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे, लोग शुद्धता का पालन नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे जैसा उस समय जाना था। अगर हम छोटे वाले धर्म का पालन नहीं भी कर पा रहे, परंतु बड़े वाले धर्म का पालन कर रहे, हम आश्रम का पालन नहीं कर पा रहे, बहुत गलत बात। परंतु हम हर पल कृष्णा के नाम का प्रचार कर रहे हैं, हर पल मौका मिला, हर पल भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं। अब देखिए, अगर भक्ति कर रहे हैं, कृष्णा के कार्य में लगे हुए हैं, हम सारे नियमों के परे जाकर के कार्य कर सकते हैं, उसमें भी अपराध नहीं होगा। अगर हम कृष्णा के कहे अनुसार कार्य कर रहे हैं, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, ना ही इस लोक में, कोई भी लोक में रहेंगे तो यही कार्य तो करना है। सारे धर्मों का पालन करके हम क्या करेंगे? हम अपने आप को शुद्ध करेंगे ताकि हम कृष्णा की सेवा कर पाए। हम पहले ही कृष्णा की सेवा कर रहे हैं। अगर हम इस प्रकार से कृष्णा की सेवा पहले से ही करेंगे तो हम लोग गलत कार्य में संलग्न हो सकते हैं। है ना? तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, परंतु आज के काल में ये कर पाना अत्यंत मुश्किल है। तो कम से कम चैतन्य महाप्रभु के शब्दों का पालन करने का प्रयास करें। ओके,
हरे कृष्णा, ऋचा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। सीता देवी अत्यंत विनीत आज्ञाकारिणी लज्जालु तथा सती थी और सदा अपने पति के भाव को समझने वाली थी। इस प्रकार अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से वे भगवान के मन को पूरी तरह मोह सके। तात्पर्य, जिस तरह भगवान राम आदर्श पति हैं, यानी एक पत्नी व्रत, उसी तरह माता सीता आदर्श पत्नी हैं। ऐसे संयोग से पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखी बन जाता है। महापुरुष जो भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। यदि राजा, नेता तथा ब्राह्मण, शिक्षक वैदिक साहित्य से प्राप्त उदाहरण प्रस्तुत करें तो सारा जगत स्वर्ग बन जाए। निस्संदेह इस जगत से नारकीय दशाओं का नामो निशान मिट जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के नवम स्कंध के अंतर्गत परम भगवान रामचंद्र की लीलाएं नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा। अभी कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद कटाक्ष किए, उसी को आगे ले जाते हैं। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद कटाक्ष कर रहे थे कि देखिए राजनीतिक दल आज भी क्या बोलते हैं कि राम राज्य की ही कल्पना कर रहे हैं, राम राज्य लाना है। आज भी आप राजनीतिक दलों से सुनते होंगे, परंतु कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं, वो राजनीतिक दल वाले प्रभु श्री राम की बातों का कभी पालन नहीं करते। तो ये कैसा राम राज्य लाना चाहते हैं जिसमें प्रभु श्री राम की बातों का पालन ही नहीं करते हैं? या फिर लोग क्या करते हैं, लोग राम का नाम लेकर के, प्रभु श्री राम का नाम लेकर के अपना लाभ पाना चाहते हैं, हैं? तो अगर कोई भी ऐसा कर रहा हो, कोई भी ऐसा कर रहा हो तो क्या कर रहा है, मूर्खता कर रहा है। और ऐसे करने वाले, प्लीज समझिए, ऐसे करने वाले कोई एक राजनीतिक दल में नहीं है। तुष्टिकरण बहुत वर्षों से चल रहा है। अगर एक का तुष्टिकरण नहीं चल रहा तो दूसरे का नहीं चल रहा है। एक गाल पे थप्पड़ मारे तो अपराध है, दूसरे गाल पे मारे तो अपराध नहीं है। लोग इस प्रकार से मूर्ख बनाते हैं। भौतिक जगत में लोग इस प्रकार से मूर्ख बनाते हैं। और हम लोग सही की कल्पना करते रहते। इस भौतिक जगत में कुछ भी सही नहीं होता। यहाँ पे पतिव्रता धर्म का पालन करने बता रहे। प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा। सच आप अपने घर में देखिए, परिवार में देखिए, दूसरे दोस्त रिश्तेदार में देखिए। अगर पति पत्नी दोनों ही भगवत भक्त हैं, भगवत भक्त का मतलब सब सब जान लीजिए, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तब तो स्थिति अलग हो सकती है। हो सकती कब है, जब दोनों एक ही गुरु के प्रति समर्पित हो, तो वो भी अगर दोनों गुरु, एक गुरु के प्रति समर्पित नहीं है तो भी हो, तो भी एक्सेप्शन वाला रूल आ जाएगा, जो अधिकाधिक लोग कर रहे हैं वही वाला रूल आ जाएगा। क्या अगर भगवत भक्त नहीं है, भगवत भक्त में भी क्या ऐसे ही सामान्य भगवत भक्त नहीं, दोनों एक गुरु के प्रति समर्पित, दोनों एक विचारधारा के प्रति समर्पित। अगर ऐसे नहीं है, आप सोच करके बताइए, आप देख करके बताइए, कोई भी एक परिवार को आप जानते हैं क्या,
जिसमें पत्नी अपना धर्म का निर्वहन कर रही हो, पत्नी खुशी से रह रही हो और पति भी खुशी से रह रहा, तो ये घर को जानते हैं क्या? सच सच बोलिए, आप लोग इतने परिवार को जानते हैं, कोई एक घर को जानते हैं? कोई एक? आज ये है? कोई भी एक? पत्नी अपने धर्म का पालन कर रही हो, पति अपने धर्म का पालन कर रहा हो, दोनों अच्छे से रह रहा है? आप सोच के देखिए, अगर कोई पत्नी अपने धर्म का पालन कर भी ले, वैसे तो कर ही नहीं पाएगी आज के इस कलयुग में, मलिनता में कहां से, परंतु अगर पालन कर भी ले, पति अपने धर्म का पालन कर लेगा, और दोनों पालन कर भी ले, फिर भी दोनों की जो उम्मीदें हैं वो कभी भी मैच करेंगी, कभी भी कोई संतुष्टता से रह पाएगा? सोच के देखिए, कितनी बड़ी दुनिया को आप लोग जानते हैं, आप लोग सब कोई को जानते होंगे, पता नहीं 50, 100, 200 परिवारों को जानते होंगे, तो एक संतुष्ट है? क्या हो गया? ये रियलिटी है, ये इस भौतिक जगत की सच्चाई है, यही है इस भौतिक जगत की सच्चाई। इस प्रकार की कल्पना मत कीजिए कि अगर हम पत्नी धर्म का पालन करेंगे, अगर हम पति धर्म का पालन करेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। देखिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये बात सही है, परंतु आप समझिए, सब कोई अपने धर्म का पालन करेंगे। अब जो निम्न कोटि में है वो निम्न धर्म का पालन करेंगे, जो उच्च कोटि में उच्च धर्म का पालन करेंगे। आप अपना परिवार मात्र अपना घर तक ही क्यों सीमित देखते हैं? आप अपना परिवार मात्र इतना सा क्यों देखते हैं? आप अपना परिवार मात्र 2, 4, 10 लोगों को जानते हुए क्यों देखते हैं? जिस संबंधी को आप अपना जान रहे हैं, इस शरीर को छोड़ने के बाद आप उन्हें अपना जानेगा? कोई संबंध जानिए उनसे? कोई संबंध नहीं। ऐसा कैसे संबंध है? आज तक तो तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे सब कुछ हो, कल मैं तुमको नहीं जानता है? ये कैसे संबंध है? हम लोग इस प्रकार से अपना संबंध, या फिर कड़े शब्द बोले, अपना मकड़ी जाल बना रखे। हम लोग सोचते हैं यही तो मेरा परिवार है, यही तो मेरा घर है। जिसको हम अपना घर समझते हैं वो घर है क्या? हम समझते हैं, समझने के लिए क्या है? कुछ भी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, आप भगवान का सबसे प्रिय दास अपने आप को समझ लीजिए, समझने में क्या है? अब भक्ति करने की भी आवश्यकता नहीं है, हम भगवान के सबसे प्रिय दास बन गए। अभी अभी मैंने कल्पना की है, मैं ही भगवान का सबसे प्रिय दास हूं, सबसे प्रिय सेवक पूरे विश्व में मैं हूं भगवान का, मैंने कल्पना की। अभी कल्पना करने में क्या जाता है? कल्पना करने में क्या जा रहा है कि हम गोलोक वृंदावन जाना है ना? अरे अब तो हम वृंदावन में है ही है, अब गोलोक वृंदावन पक्का है? कल्पना करना है ना, कर लिया। और कुछ करना है? और कोई भी कल्पना करने कर लेंगे, जितना कल्पना करना कर लेंगे। ये कल्पना करने से हमारा लक्ष्य तो प्राप्त नहीं होगा। प्लीज समझिए, शास्त्र अनुसार चलना पड़ेगा, कृष्णा के शब्द अनुसार चलना पड़ेगा। कृष्णा शास्त्रों में साफ साफ शब्द बता रहे, वर्णाश्रम धर्म का पालन सभी को करना पड़ेगा, परंतु कोई भक्त है उनके लिए कोई नियम नहीं लगता, इसलिए वो वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं भी करें फिर भी वो शुद्ध हो सकते। एक सच सच बात बता रहा हूं, आप
चलिए दोनों कल्पना तुलना करना थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल है, इसलिए आप पे नहीं छोड़ो। नहीं तो अगर आप बिना किसी त्रुटि के कल्पना कर पाते मैं आप पे भी छोड़ देता। सच बता रहा हूं और एक्सपीरियंसेस बता देता हूं। ये स्थिति लेकर के आना कि हम अपना पारिवारिक धर्म अच्छे से निभा लें, ये भगवत धाम जाने से भी ज्यादा मुश्किल है। भगवत धाम जाना आसान है, समझिए भगवत धाम जाने में वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल बस इतना ही तो है हमको प्रेम में स्थित होना पड़ेगा, आज्ञा अनुसार कार्य करना पड़ेगा, शुद्धता से कार्य करना पड़ेगा, लक्ष्य प्राप्ति करना पड़ेगा, गुरु जो बोलेंगे वो करेंगे, यही तो है। बहुत मुश्किल है। अभी पारिवारिक धर्म निभाने के लिए मालूम है क्या है, अभी आप तो गए अपना पति धर्म निभाने है, अब पत्नी जी जो है आपसे झगड़ा करने आ गई, धर्म निभा करके बताइए कैसे निभाइएगा। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद से शुद्ध भक्त कोई मिलेगा? और देखते क्या है कि माता चाय के लिए श्रीमद् भागवतम की प्रति कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की लिखी गई ओरिजिनल प्रति को बेच दिया है। सोच के देखिए कैसे धर्म का पालन कीजिएगा। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद स्वयं बताते हैं कि सन्यास के लिए मेरे गुरु ने फोर्स किया। शुद्धतम भक्त जो हम जानते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद, उनको फोर्स किया गया गुरु द्वारा आदेशित। वो इतना कष्ट पाने के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद, इतना सब कुछ देखने के बाद, ये सब कुछ हो गया उसके बाद दृढ़ता से कार्य किए। क्या हमारा गुरु में उतना श्रद्धा है, उस प्रकार का श्रद्धा है जिस प्रकार का कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद का था, जिनसे वो 10 दिन भी नहीं मिले परंतु उनकी आज्ञा पालन कर रहे, क्या उस प्रकार का श्रद्धा है? जब वो उनकी आज्ञा अनुसार सन्यास आश्रम पालन करते, क्या हम में वो दृढ़ता है? समझिए हमारे लिए अत्यंत मुश्किल हो जाएगा। कल्पना के मापदंडों को मत रखिए, हैं? रियलिटी को स्वीकारिए। बहुत लोग हैं ना अपने घर को परिवार से समाज से आसक्त रहते हैं, जुड़े हुए रहना चाहते हैं, सच को अस्वीकार करना चाहते हैं। आप समझिए हम लोग अपराध किए जा रहे हैं। ये भी अपराध है कि हम अपने घर में हैं, हाँ ये भी अपराध।
वानप्रस्थ का उम्र हो गया, हम अपने घर में बैठे हुए, ये अपराध नहीं है। संन्यास का उम्र हो गया, हम अपने घर में बैठे हुए, ये अपराध नहीं है। ये अपराध है, ये अपराध है। अब जैसे कोई अपराध कर रहा है तो उसकी भी श्रेणी होती है, किस तरह का अपराधी है। अगर कभी किसी को कोर्ट में जाते हुए देखे हो तो जज पूछता है इसने पहले क्या अपराध किए हुए। हम लोगों का भी वही स्थिति, हम अपराध तो किए, ये अपराध तो है, परंतु हमसे पूछा जाएगा पहले क्या क्या अपराध किए हो। अच्छा ये भी किए हो, ये भी किए हो, ये भी किए हो, सजा ज्यादा मिलेगी। परंतु अगर ये सारा अपराध करने के बाद हम दृढ़ता से, शुद्धता से भक्ति करने का प्रयास करें तो ना ही सजा माफ हो जाएगी, हम पे तो भौतिक कानून लगेगा भी नहीं, हम सभी पे भौतिक कानून नहीं लगेगा, भौतिक कानूनों के ऊपर होंगे। एक्चुअली में मैं कभी भी बोलता हूं तो मात्र इसी के लिए बोलता हूं कि भौतिक नियमों के ऊपर, भौतिक नियमों के परे हम लोग ऐसा कार्य करें कि शुद्ध, हम लोग शुद्ध अवस्था में पहुंच जाएं और फिर हम पे भौतिक नियम ना लगे। क्योंकि भौतिक नियम अगर फंस गए ना तब तो ऐसा फंसिएगा कि बाहर नहीं निकल पाइएगा, क्योंकि वो डबल धारी तलवार होती है। कुछ लोग तो पाप कर्म बहुत ज्यादा ज्यादा कर रखे हैं तो उनको तो सजा मिलेगी मिलेगी, परंतु कुछ लोग है ना पुण्य आत्मा है, बहुत अच्छे अच्छे कर्म कर रखे हैं, अब उनको और भी सजा मिलेगी। उनको क्या होगा कि अच्छे धाम भेज दिया जाएगा और अच्छे धाम भेजने के बाद वापस फेंक दिए जाएंगे। आज हम लोगों ने 10वें अध्याय से पढ़ा था, नवा कैंटो 10वां अध्याय जो भी अभी समाप्त किया है, जो लोग 4 बजे जुड़े होंगे सुने होंगे, फेंक दिए जाएंगे। ऐसा उच्च जीवन जी करके क्या करें जहां पे हमको स्वर्गीय भोग तो मिलेगा परंतु कुछ समय बाद वापस से फेंक दिए जाएंगे। ये कुछ वैसा ही है, हमको 5 दिन से भूख लगी हुई है, आज रात के लिए क्या बोला जा रहा है, आज जितना खाना है सब फ्री, जितना प्रसाद हम सब फ्री, वाह मन खुश हो गया, परंतु कल से फिर वही हिसाब होगा, आपको भूखा रहना पड़ेगा। क्या लाभ है इसमें, क्या लाभ है, कोई आनंद है? स्वर्ग चले भी गए, आनंद भोग लिए, फिर से फेंक दिए जाएंगे, क्या लाभ है? हम लोग निरंतर रूप से संघर्ष करते रहे, है ना। तो यहां पे कोई भी धर्म का पालन करे तो नहीं हो पाएगा, है? सोच के देखिए, पति पत्नी रहने के लिए तो 4 दीवारियों में रहते हैं, एक घर के नीचे रहते हैं, और करते क्या है, ये उसकी बुराई कर रहा है, वो उसका बुराई कर रहा है, आपस में हृदय में इतना कलमश भरा हुआ है, कभी भी एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, अच्छे से रह नहीं पा रहे, शांति से नहीं रहते, बताइए ये जीवन जी रहे हैं? इसको जीवन बोलते हैं, इसको जीवन बोलते हैं हैं? भौतिक जगत में लोग इसी में आनंद में, बताइए ये आनंद है, ये आनंद है, तो कष्ट क्या होता है? यही आनंद है तो कष्ट क्या होता है ना। तो समझिए आज की स्थिति इस प्रकार की है कि चाहे कोई कितना भी प्रयास कर, इनफैक्ट आज से अगर आप 100-200 साल पहले जाइएगा ना, स्थिति बहुत अच्छी थी, 200 साल पहले स्थिति इतनी बुरी नहीं थी, आज स्थिति बहुत खराब हो गई। जैसे जैसे कलयुग का प्रसार आगे बढ़ेगा ना, स्थिति और खराब होती चली जाएगी, फिर पारिवारिक संबंध का भी अर्थ नहीं होगा,
आजकल देखते हैं ना, माता पिता को घर से निकाल देते हैं, धीरे धीरे और स्थिति खराब होती चली जाती है। कोई कोई भी धर्म का पालन, छोटे से छोटे धर्म का पालन नहीं होता, धीरे धीरे होगा। बस आप समझिए इस स्थिति में हम कैसे बच सकते हैं। अभी अगर तूफान आ रहा है, आप ये जान करके कि तूफान बहुत विशाल है, बहुत समय लगाएगा, बहुत बर्बादी करेगा, ये होगा वो होगा, सब जान करके क्या कीजिएगा, कितनी बुराई चल रही है वो सब जान करके क्या कीजिएगा। आप ये समझिए कि आप कैसे बचिए, हम कैसे बचेंगे, हैं? उसका भी आंसर यही दसवें अध्याय में एक बार बताया होगा क्या, कलयुग के लिए बस एक ही काम है। चैतन्य महाप्रभु का कहा गया नाम हरि का नाम, कलयुग के लिए एक ही काम है ना, क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बार बार बोलते हैं श्रवण कीजिए, किस लिए बोलते हैं, क्योंकि साफ साफ आज लिखा हुआ था, आज तो दिखाया, सब दिन नहीं दिखाते, वहां पे साफ साफ लिखा होता अपराध मुक्त, अपराध मुक्त नाम जप करेंगे तभी लाभ होगा। कोई कितना भी नाम जप कर ले परंतु अपराध कर रहा है तो लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं। जब कोई लाभ नहीं बोलते उसका अर्थ ये नहीं है शून्य, उसका अर्थ है बहुत कम। भगवान का कोई एक बार भी नाम ले ले तो लाभ तो होगा, परंतु हृदय में मलिनता है तो क्या लाभ होगा, बहुत कम लाभ होगा। जहां पे 1 लाख यूनिट फायदा होना है वहां पे 10 यूनिट फायदा हो जाएगा, उसका क्या मतलब है, वही अर्थ है। तो निरर्थक कार्य मत कीजिए, है ना, कार्य ऐसा कीजिए कि जीवन को सार्थक बनाइए, है ना। हरे कृष्णा। देखिए प्रभु श्री राम, महाराज भरत, और रामनवमी, इनसे अच्छा आदमी तो, इनसे अच्छा व्यक्तित्व तो कहीं होगा ही नहीं, कोई हो ही नहीं सकता। परंतु अयोध्या की जनता ही महाराज भरत पे भी आक्षेप करती थी, प्रभु श्री राम के बारे में बहुत सारी बातें उठी। सीता मैया के बारे में आक्षेप, आप समझ रहे? तो इनसे शुद्ध पर्सनालिटी तो हो नहीं सकते कोई भी। प्रभु श्री राम ये प्रकट करके दिखा रहे हैं, हम कितना भी प्रयास कर लें यहाँ पे लोगों को संतुष्ट करने का, वो कभी संतुष्ट नहीं होने वाले, कोई संतुष्ट नहीं होगा। तो हमको हमारे कार्यकलाप किस प्रकार करना, हम किसी को संतुष्ट नहीं कर पाते, हम क्या कार्य करें? हम ऐसा कार्य करें हम अपने जीवन को सार्थक करें। हम ये सारे नियमों से ऊपर वाला कोई कार्य करें कि ये सारे नियम हम पे नहीं लगे। अच्छे बुरे कर्म का प्रभाव सभी पे होगा, परंतु कोई भगवत भक्त बन जाए तो अच्छे बुरे सारे कर्म का नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो कब होगा? जब भगवत भक्त बन जाए तब होगा, है ना। चलिए जल्दी जल्दी समझने का प्रयास वापस से कंटिन्यू करें। श्लोक नंबर 21, 11वां अध्याय, 11वां अध्याय आज सुबह 10 बजे स्टार्ट हुआ था, सॉरी कितने बजे हुआ था, 1 बजे हुआ था, 1 से 1.5 पड़े थे, 1:30 जो भी बोलते हैं, और फिर 30 मिनट थोड़ा डिस्कस किए थे, 30 मिनट जो भी। अभी वापस से कंटिन्यू करते हैं, है ना। जिन जिनको रीड करना है जल्दी जल्दी रीड करेंगे, 30 मिनट ही बचना है। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। भगवान रामचंद्र का निर्मल नाम तथा यश सारे पापों के फलों को नष्ट करने वाला है,
सारी दिशाओं में वह उसी तरह विख्यात है जिस तरह समस्त दिशाओं पर विजय पाने वाले हाथी का लटकता अलंकृत झुल हो। मार्कंडेय ऋषि जैसे महान साधु पुरुष अब भी महाराज युधिष्ठिर जैसे सम्राटों की सभाओं में उनके गानों गुणों का गान करते हैं। इसी तरह सारे ऋषि तथा देवता जिनमें शिवजी तथा ब्रह्मा जी भी सम्मिलित है अपने अपने मुकुटों को झुकाकर भगवान की पूजा करते हैं। उन भगवान के चरण कमलों को मैं नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट। हरे कृष्ण गुरु जी। भगवान रामचंद्र अपने धाम को लौट आए जहाँ भक्ति योगी जाते हैं। यही वह स्थान है जहाँ अयोध्या के सारे निवासी भगवान को उनके प्रकट लीलाओं में नमस्कार करके उनके चरण कमलों का स्पर्श करके उन्हें पिता पितृतुल्य राजा मानकर उनकी बराबरी में बैठकर या लेटकर या मात्र उनके साथ रहकर उनकी सेवा करने के बाद वापस गए। तात्पर्य भगवान भगवद्गीता 4.9 में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एव यो वेति तत्वतः यत्यादेह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो मेरे प्राकृत्य की दिव्य प्रकृति तथा मेरे कार्यकलापों को जानता है वह इस शरीर को त्यागने के बाद इस भौतिक जगत में फिर से जन्म नहीं लेता अपितु हे अर्जुन वह मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। यहाँ इसकी पुष्टि हुई है अयोध्या के सारे निवासी जिन्होंने प्रजा के रूप में भगवान रामचंद्र का दर्शन किया दास रूप में उनकी सेवा की उनके साथ मित्र या अन्य रूप में बैठे बोले या उनके शासन काल में उपस्थित थे वे सभी भगवत धाम वापस गए। जिस भक्त की भक्ति पूर्ण होती है वह इस शरीर को त्याग कर उस विशेष ब्रह्मांड में प्रवेश करता है जहाँ भगवान रामचंद्र या भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। तब उस प्रकट लीला में विभिन्न पदों पर रहकर भगवान की सेवा करना सीख कर भक्त अंत में सनातन धर्म पहुंचता है। भगवद गीता में इस सनातन धर्म का उल्लेख सनातन धर्म का भी उल्लेख मिलता है। जो भगवान की नित्य लीलाओं में प्रवेश पा जाता है वह नित्य लीला प्रविष्ट कहलाता है। यह स्पष्ट तौर पर समझने के लिए कि श्री रामचंद्र जी वापस क्यों गए यहाँ यह उल्लेख हुआ है कि वे उस विशेष स्थान को गए जहाँ भक्ति योगी जाते हैं। निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवत के कथन से इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि इसका अर्थ यह है कि भगवान अपने ही तेज में प्रविष्ट हुए अतएव वे निराकार हो जाते हैं। किंतु भगवान तो पुरुष है और उनके भक्त भी पुरुष है। निस्संदेह सारे जीव भी भगवान के समान भूतकाल में पुरुष थे वर्तमान काल में भी पुरुष है और इस शरीर को त्यागने पर भी पुरुष बने रहेंगे। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी हुई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए हमारी चेतना जिस प्रकार की होगी हम कार्य उस प्रकार का करेंगे। मालूम है क्या, आज बहुत बड़ा ट्रुथ बता दो, बहुत बड़ा सत्य। कोई गुरु होता है ना, वो हमारी चेतना के विपरीत जो उनका लक्ष्य होता है वो अपने लक्ष्य के तरफ हमको हाथ पकड़ के छीन करके झपट करके ले चलते। हम नहीं मानना चाहते, हम नहीं मानना चाहते। आप लोगों को बहुत बार ऐसा लगता होगा कि सारी बातें भगवद गीता में लिखी हुई है, श्रीमद् भागवतम में लिखी हुई है, यहां लिखी हुई है, वहां लिखी हुई है। मैं आपको ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल दूंगा जो कि एज इट इज नहीं लिखा हुआ है, परफेक्ट एग्जाम्पल है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद का ट्रेडमार्क एग्जाम्पल क्या, अष्टांग योग में ये बोलना, अष्टांग योग तो कुछ नहीं है, भक्ति योग करो, परफेक्ट एग्जाम्पल। इससे बड़ा एग्जाम्पल दिखाइए। एकदम साफ साफ क्लियरली। अब आप बताइए, अगर आप अपने मत अनुसार
शास्त्र को पढ़ने का प्रयास करेंगे आप समझ भी पाएंगे। शास्त्र में तो कुछ और लिखा हुआ है, गुरु कुछ और बता रहे हैं, परंतु सत्य वही है जो गुरु बता रहे। अगर हम प्रयास भी कर लें, कोई प्रयास कर ले कि हम शास्त्र सम्मत कार्य करेंगे, गुरु सम्मत नहीं शास्त्र सम्मत, एक बार के लिए मान, ये तो अपने में ही विरोधाभासी है, शास्त्र भी किसी गुरु ने लिखा है और आप उसके रागानु का भक्ति के अनुसार चीजों को नहीं देख पाएंगे। जिस भी गुरु ने जो भी लिखा हुआ है आप उसके रागानुसार चीजों को नहीं देख पाएंगे। बहुत बार होता है शास्त्र में लिखा हुआ रहता है, एक उच्च धर्म के बारे में बताया जाता है, ये जो धर्म है ये नीचा धर्म है, इससे भी ऊंचा धर्म ये है, आप ये पालन कर लीजिए, ऊंचा धर्म बता दिया, कोई कैसे समझ लेगा। गुरु जो होते हैं, गुरु का कार्य यही है, गुरु जो होते हैं वो अत्यंत कृपालु होते हैं, शिष्य मूर्ख होते हैं, शिष्य को पता नहीं होता किस रास्ते जाना है। बौद्धिक स्तर पे तर्क वितर्क करने के बाद, समर्पण करने के बाद, गुरु की आज्ञा अनुसार पे चलने पे गुरु शिष्य को हाथ पकड़ के ले जाता कि चलो अब इस रास्ते चलो। शिष्य के पास ये बुद्धि नहीं, परंतु गुरु ले चलता। आप कितना तर्क वितर्क कीजिएगा, कीजिए, तर्क वितर्क नहीं कुतर्क कुतर्क होगा, कितना कर लीजिएगा हैं? बिकॉज जीवन का लक्ष्य तो पता ही नहीं है, किस लिए कार्य कर रहा पता ही नहीं है। कोई मुझे एक व्यक्ति दिखा दीजिए ना, ये शायद पहले भी पूछा था, सबका आंसर नो आया था, फिर से अगर पूछना है, अगर कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद हमें ना बोलते, अगर गुरु हमें ना बताते, हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत धाम जाने से भी बड़ा लक्ष्य भगवान की सेवा करना, कोई एक है जो बोलेगा कि हमको भगवान की सेवा करने के लिए हम पहले से तैयार बैठे हुए थे? हम तो हमेशा से भगवान की सेवा करना चाहते थे, भगवत धाम नहीं जाना, भगवान के धाम नहीं जाना, हमको कष्टों से मुक्ति नहीं चाहिए, हमको कष्ट भी दे दीजिए पर भगवान की सेवा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये एक है। तो कल्पना करके, अपने आप को उच्च समझ करके, कोई कल्पना के बाजार में चल करके, हम तो इस प्रकार करेंगे, हम तो उस प्रकार करेंगे, हमारा तो ये मत है, हम तो ये सोचते हैं, उस अनुसार करके जीवन का लक्ष्य तो प्राप्त नहीं, मूर्खता है। चलिए राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे राजा परीक्षित, जो भी व्यक्ति भगवान रामचंद्र के गुणों से संबंधित कथाओं को कानों से सुनता है वह अंततोगत्वा ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाएगा और फलस्वरूप कर्म बंधन से छूट जाएगा। हरे कृष्णा। तात्पर्य, इस जगत में हर व्यक्ति किसी न किसी से ईर्ष्या करता है, यहाँ तक कि धार्मिक जीवन में भी यदि कोई भक्त आध्यात्मिक कार्यों में आगे बढ़ चुका होता है तो अन्य भक्त उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। ऐसा ईर्ष्यालु भक्त जन्म मृत्यु के कारण से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता। जब तक कोई जन्म मरण के बंधन से पूर्णतया मुक्त नहीं हो जाता तब तक वह सनातन धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता। देह की उपाधियों से प्रभावित होकर मनुष्य ईर्ष्यालु बनता है, किंतु मुक्त भक्त को शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, अतएव वह दिव्य पद पर पूर्णतया स्थित रहता है। भक्त किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, यहाँ तक कि अपने शत्रु से भी नहीं, क्योंकि भक्त यह जानता है कि भगवान उसके परम रक्षक हैं, अतएव वह सोचता है
कि तथा कथित शत्रु मेरा क्या बिगाड़ सकता है। इस तरह भक्त अपनी सुरक्षा के बारे में आश्वस्त रहता है। भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्। जो जिस अनुपात में मेरी शरण में आता है उसी के अनुसार मैं उसकी रक्षा करता हूँ। अतएव भक्त को पूर्णतया ईर्ष्या विहीन होना चाहिए और विशेष रूप से अन्य भक्तों से। उनसे ईर्ष्या करना महान अपराध है और यह वैष्णव अपराध कहलाता है। जो भक्त निरंतर श्रवण कीर्तन में लगा रहता है वह निश्चित रूप से ईर्ष्या रोग से मुक्त हो जाता है और इस तरह भगवत धाम जाने का पात्र बन जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बारंबार वही बात है, ये जब तक श्रवण नहीं करेंगे, जब तक भगवत कृपा नहीं मिलेगी, जब तक गुरु कृपा नहीं मिलेगी, ईर्ष्या रहित होंगे नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं, अहंकार मुक्त, उपाधि मुक्त और अपराध मुक्त। जब हम किसी से भी ईर्ष्या करते हैं इंस्टेंटली बिना किसी पल गवाए हम अपराध करते हैं। जैसे ही ईर्ष्या करते हैं वैसे ही अपराध करते हैं। बाकी कोई अपराध हो रहा हो नहीं हो रहा हो, एक अपराध तो, सबसे बड़ा अपराध तो हो ही रहा है जिस पल भी ईर्ष्या करता है। आप लोग अज्यूम कीजिए एक काम कीजिए, सबको आंखें बंद कीजिए, ईर्ष्या करके देखते हैं कैसा होता है ना, करके देखते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, आंखें बंद कीजिए। किसी ने आपका बहुत अहित कर दिया, कोई आपका जिसको आप अपना समझते थे, आप हमेशा उसका हित किए, उसने आपका बहुत बड़ा अहित कर दिया, अब आपको मौका मिला है क्या कि उसको सबक सिखाना, मौका मिला। एक बात बताइए, अंदर ही अंदर कैसा फीलिंग आ रहा है, मौका मिला है अब क्या करेंगे, सबक सिखाने का मौका मिला, अच्छा सबक सिखाएंगे, बहुत बुरा किया था, ऐसा फीलिंग आ रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है, किसी ने आपका बहुत बुरा किया था, हाँ मौका मिला है सबक सिखाने, कैसा फीलिंग आ रहा है, किसी ने आपको बहुत ठगा था, अब मौका मिला आपको ठगने का, मौका मिला है आपको, किसी ने आपको मूर्ख बनाया था, आज आपको मौका मिला आप मूर्ख बनाए, कैसा फीलिंग आ रहा है, इग्नोर करने का मन कर रहा है, अंदर ही अंदर चल तो रहा है, इग्नोर कर दीजिए, मोड ऑफ इग्नोरेंस है ना, मजा चखा देंगे, बदला, वेरी गुड, बदला। आप सोच के देखिए, इस भाव के साथ हम भक्ति करेंगे क्या, अगर हमारे हृदय में ये सारा भाव आया, हम इस पल भक्ति करेंगे क्या, बाकी अपराध छोड़िए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दुनियादारी अब हटा दीजिए, अब बताइए इस पल हम भक्ति करेंगे, जब पे बैक टाइम सोच रहे हैं, जब बदला सोच रहे हैं, हैं? अब सोच रहे हैं कि मजा चखा देंगे, हैं? सोच के देखिए, इग्नोर करने का मन कर रहा है पर मन ही मन चल रहा है, मन ही मन तो चल रहा है, उस समय भक्ति करेंगे, भगवान के बारे में सोचेंगे, प्रेम के बारे में सोचेंगे, बताइए, जब बदला हृदय में आ रहा है सोचेंगे, सच बताइए, हैं?
सोचेंगे क्या? बताइए ना, सब बताइए जल्दी जल्दी। हृदय में अगर इस तरह का भाव आ रहा है, हम उसको बदला ले लेंगे। हम बताते हैं, रुकिए, हमको बहुत मूर्ख बनाया है, हैं? अब हम भक्ति करेंगे क्या? इस भाव के साथ हम भक्ति करेंगे? बिल्कुल भक्ति नहीं करेंगे। कर लीजिए जितना कल्पना करना है, कोई भक्ति भक्ति नहीं होगी। हमारे हृदय में द्वेष भरा हुआ है, हम प्रेम करेंगे। प्रेम का मौका नहीं है, समय नहीं है। भौतिक जगत वाले लोगों के साथ यही तो है, उनके 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 पास भक्ति करने का मौका ही नहीं है। बहुत बिजी है, द्वेष करने में बहुत बिजी है, है ना? लोग क्या करते हैं, लोग द्वेष करते हैं, ठीक है? समझिए कि ये तो बड़ा गड़बड़ है अगर हम द्वेष कर रहे हैं, बहुत गड़बड़ है ना? सावधान। हरे कृष्ण, अश्लेषा माता जी, योर नेक्स्ट। हरे कृष्ण गुरु जी, महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, भगवान ने स्वयं किस तरह का बर्ताव किया और अपने विस्तार अंश स्वरूप अपने भाइयों के साथ कैसा बर्ताव किया और उनके भाइयों ने तथा अयोध्या वासियों ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, अपने छोटे भाई भरत के आग्रह पर राज सिंहासन स्वीकार करने के बाद भगवान रामचंद्र ने अपने छोटे भाइयों को आदेश दिया कि वे बाहर जाकर सारे विश्व को जीते, जबकि वे स्वयं राजधानी में रहकर सारे नागरिकों तथा प्रासाद के वासियों को दर्शन देते रहे तथा अपने अन्य सहायकों के साथ राजकाज की निगरानी करते रहे। तात्पर्य, भगवान अपने किसी भक्त या सहायक को इंद्रिय तृप्ति में तल्लीन रहने की अनुमति नहीं देते। भगवान रामचंद्र जी के छोटे भाई महल में भगवान के दर्शनों का आनंद ले रहे थे, किंतु भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि वे बाहर जाकर सारे विश्व को जीते। ऐसी प्रथा थी और आज भी कही कही है कि अन्य सारे राजा सम्राट की श्रेष्ठता स्वीकार करें। यदि किसी छोटे राज्य का राजा सम्राट की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करता था तो युद्ध होता था और उसे सम्राट की अधीनता स्वीकार करनी होती थी, अन्यथा सम्राट के द्वारा पूरे देश में शासन चला पाना संभव नहीं हो सकता था। भगवान रामचंद्र ने अपने भाइयों को बाहर जाने के लिए आज्ञा देकर उनके साथ दया दिखलाई। वृंदावन में रहने वाले अनेक भगवत भक्तों ने व्रत ले रखा है कि वे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए वृंदावन नहीं छोड़ेंगे, किंतु भगवान का कहना है कि कृष्ण भावनामृत सारे विश्व में प्रत्येक गाँव और प्रत्येक नगर में प्रसारित हो। भगवान चैतन्य महाप्रभु का यह खुला आदेश है पृथ्वीते आच्छे यत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम। अतएव शुद्ध भक्तों को भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए, न कि यह एक ही स्थान में बंधे रहकर इंद्रिय तृप्ति में लगे रहना चाहिए और यह सोचकर गर्वित नहीं होना चाहिए कि वह वृंदावन नहीं छोड़ेगा और एकांत में कीर्तन करेगा और वह महान भक्त बन जाएगा। भक्तों को तो भगवान के आदेश को पूरा करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश। अतएव हर एक भक्त को चाहिए कि वह जिस किसी से भी मिले उसे भगवान का आदेश मानने को कहे और इस प्रकार उपदेश द्वारा कृष्ण भावनामृत का प्रसार करे। भगवान कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेक शरणम व्रज। सारे धर्मों को परित्याग कर केवल मेरी शरण ग्रहण करो। यही भगवान का आदेश है। हर एक को इस आदेश को मानना चाहिए क्योंकि यह दिग्विजय है। प्रत्येक सैनिक अर्थात भक्त का यह धर्म है कि वह हर एक पर इस जीवन दर्शन को ग्रहण करने के लिए जोर डाले। निसंदेह जो कनिष्ठ अधिकारी है वे उपदेश नहीं देते, किंतु भगवान उन पर भी कृपा दृष्टि डालते हैं, जैसे कि भगवान ने अयोध्या में स्वयं ठहरकर लोगों को अपना दर्शन दिया। किसी को गलती से यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने अपने भाइयों को अयोध्या छोड़ने के लिए आज्ञा इसलिए दी
क्योंकि वे प्रजा पर विशेष कृपालु थे। भगवान हर एक पर दयालु है और वे जानते हैं कि हर व्यक्ति पर उसकी क्षमता के अनुसार किस प्रकार दया की जाए। जो व्यक्ति भगवान के आदेश का पालन करता है वह शुद्ध भक्त है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो मेरे को बहुत एक्स्ट्रा कुछ कहना नहीं है। देखिए, जो व्यक्ति भगवान के आदेश का पालन करता है वह शुद्ध भक्त है, तो आज्ञा पालन करना पड़ेगा, है ना। और भगवान की आज्ञा में बताते कौन है, गुरु बताते, शास्त्र भी बताते हैं, परंतु शास्त्र को भी इंटरप्रेट करके समझा करके तो गुरु ही प्रस्तुत रखते हैं। नहीं तो हम लोग क्या, हम लोग बस ये सोचते रहेंगे ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है, ये हम नहीं कर सकते, वो हम नहीं कर सकते। गुरु ये नहीं छोड़ते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, ये नहीं छोड़ते। देखिए, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो आपको वो करने का, अगर वो शुद्ध है तो आपको आगे करने का प्रयास करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कर रहे। अगर आगे वैसी स्थिति बन जाए तो हमको करना है। प्लीज समझिए, हम क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या बोलते हैं, हमने क्या क्या किया है, हम क्या क्या अपने हृदय में धारण किए हुए हैं, पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, इन सब का कोई अर्थ नहीं है। एकदम निरर्थक बात, कचरा होगा वही जो भगवान चाहेंगे, और भक्त करेगा वही जो भगवान को प्रसन्न करे, जो गुरु को प्रसन्न करे। भक्त कुछ ऐसा नहीं करेगा कि भगवान उससे प्रसन्न नहीं और हम करेंगे, गुरु उससे प्रसन्न नहीं और हम करेंगे, ऐसा नहीं होता। भक्त कभी चाहे उसके लिए उसको कष्ट सहना पड़ जाए, चाहे नहीं सहना पड़े, कोई भी कारण, भक्त हमेशा भगवान के ही लिए कार्य करेगा। भक्त का कार्य हमेशा भगवान के लिए। भक्त कभी ऐसा नहीं कर सकता भगवान तो ये चाहते हैं पर हम करेंगे तो। ठीक है, हरे कृष्ण। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान रामचंद्र के शासन काल में अयोध्या की सड़कें सुगंधित जल से तथा हाथियों द्वारा अपनी सुंडों से फेंके गए सुगंधित तरल की बूंदों से सींची जाती थी। जब नागरिकों ने देखा कि भगवान स्वयं ही इतने वैभव के साथ शहर के मामलों की देखरेख कर रहे हैं, तो उन्होंने इस वैभव की भूरी भूरी प्रशंसा की। तात्पर्य, हमने रामचंद्र जी के शासन काल में राम राज्य के वैभव के विषय में सुन रखा है। यहाँ पर भगवान के राज्य वैभव का एक उदाहरण प्रस्तुत है। अयोध्या की सड़कें न केवल बुहारी जाती थी वरन सुगंधित जल तथा हाथी की सूंडों द्वारा छिड़के गए सुगंधित तरल से सींची जाती थी। उस समय छिड़काव करने वाले यंत्र की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हाथियों में जल को अपनी सूंडों में भरकर छिड़कने की सहज शक्ति पाई जाती है। हम इसी एक उदाहरण से शहर के वैभव का पता लगा सकते हैं। इसे वास्तव में सुगंधित जल से छिड़का जाता था। यही नहीं, नागरिकों को भगवान द्वारा राज्य के सारे मामलों की स्वयं निगरानी करते देखने का सौभाग्य प्राप्त था। वे आलसी सम्राट न थे, जैसा कि हम उनके कार्यों से देखते हैं कि राजधानी से दूर के मामलों की देखरेख करने तथा जो सम्राट के आदेशों का पालन न करे उसे दंड देने के लिए उन्होंने भाइयों को भेज रखा था। यह दिग्विजय कहलाती है। नागरिकों को शांत जीवन बिताने की सारी सुविधाएं प्राप्त थी और वे वर्णाश्रम धर्म के अनुसार
समुचित लक्षणों से संपन्न थे। जैसा कि हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं, वर्णाश्रम गुणान्विता नागरिकों को वर्णाश्रम प्रणाली के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त था। लोगों का एक वर्ग ब्राह्मण था, एक अन्य वर्ग क्षत्रिय था, एक तीसरा वर्ग वैश्यों का था और चौथा वर्ग शूद्रों का था। ऐसे वैज्ञानिक विभाजन के बिना अच्छी नागरिकता का प्रश्न ही नहीं उठता। राजा उदार तथा कर्तव्य प्रायण होने के कारण अनेक यज्ञ करता था और प्रजा को पुत्रवत मानता था। नागरिक भी वर्णाश्रम प्रणाली में प्रशिक्षित होने से अत्यंत आज्ञाकारी एवं सुसंयमित थे। संपूर्ण राजतंत्र इतना वैभवशाली तथा शांत था कि सरकार सड़कों पर भी सुगंधित जल का छिड़काव करा सकती थी। अन्य व्यवस्था की बात तो छोड़ दें, क्योंकि सारी नगरी में सुगंधित जल से छिड़काव हुआ था, अतः हम अनुमान लगा सकते हैं कि अन्य मामलों में वह कितनी वैभवशाली थी। तो भला भगवान रामचंद्र के राज्य में लोग सुखी क्यों न रहे होंगे। हरे कृष्णा। आप इस बात को जानिए, देखिए क्या है। प्रभु श्री राम जहां पे भी हो वहां पे सब कुछ वैभवशाली हो ही जाता है, वहां पे सब कुछ ऐश्वर्यवान हो ही जाता है, कोई विशेष बात नहीं है। सारे ग्रह नक्षत्र, सारी स्थितियां उनके अनुरूप हो जाती। आज भी कुछ लोगों ने प्रभु श्री राम का एक मंदिर, उसमें एक बहुत विशिष्ट चीज देखी होते हुए, है ना। तो भगवान जहाँ पे हो वहां पे सब कुछ अच्छा क्यों नहीं होगा। देखिए समझिए, भगवान जहाँ पे है वहां पे सब कुछ ऑस्पिशियस ही होगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा हो गया, ऐसा सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए, है ना। सब कुछ सबसे अच्छा होना चाहिए। अब प्रकटीकरण भगवान ने कर दिया, बहुत बार प्रकटीकरण नहीं करते हैं, उनकी इच्छा है। जरूरी थोड़ी ना है प्रकट करके ही दिखा दे। कृष्णा की भिन्न भिन्न लीलाएं हैं, है जरूरी है सब कुछ प्रकट करके दिखाएं? जरूरी है कि सब कुछ बताएं? कुछ नहीं बताते, बहुत कम बताते हैं, थोड़ी सी बातें बता देते हैं, नहीं तो कुछ नहीं बताते हैं। तो कृष्णा इस प्रकार से बहुत ही कम बातों को बताते हैं, बहुत सारी बातों को नहीं बताते हैं। ये उनकी इच्छा है, है ना, ये उनकी इच्छा है। जहां पे भगवान रहेंगे वहां पे सब कुछ ऑस्पिशियस हो ही जाएगा। भगवान के रहते हुए कुछ भी बुरा हो ही नहीं सकता। ये हम लोगों की मूर्खता है। हम लोग सोचते हैं कि देखिए सीता मैया के साथ ऐसा बुरा हो गया, नहीं हो सकता। भगवान और भगवान की शक्ति कभी अलग हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, एक पल भी अलग नहीं हो सकता। इसीलिए छाया सीता के बारे में बात होती है, है ना। तो बहुत सारी बातें, परंतु सार हम लोगों ने 4 PM 6 PM वाली क्लास में भी यही जाना था, 4 to 6 PM वाली में हम लोगों ने स्टार्टिंग वहीं से किया था। ऑल्दो वहां पे शास्त्रों में ऐसा वर्णित नहीं था, पढ़ा नहीं था, अंत के श्लोकों में ये बात आई थी। सब कुछ जान करके हमको भगवान को जानना है, हमको तो कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के कहे शब्द अनुसार कार्य करना है, चैतन्य महाप्रभु के कहे अनुसार पालन करने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि वृंदावन धाम छोड़ करके नहीं जाना चाहते। बहुत सारे ऐसे संत हैं जो वृंदावन धाम छोड़ करके नहीं जाना चाहते, पहले भी थे आज भी, परंतु हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैतन्य महाप्रभु की कही गई बातें हैं, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की कही गई बातें हैं। आप सोच के देखिए,
कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद, इनफैक्ट असलियत बता रहा हूं, मेरा भी मन वृंदावन धाम छोड़कर ले जाने का नहीं होता, परंतु अगर प्रचार कार्य के लिए जाना पड़ेगा तो बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। क्योंकि कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद अगर वृंदावन धाम छोड़ करके नहीं जाते, और जाकर के पाश्चात्य जगत में नाम प्रचार नहीं करते, तो इतना बड़ा प्रचार कार्य होता क्या? इतना बड़ा प्रचार कार्य होता, समझिए इंपॉर्टेंट क्या है, प्रचार इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को सब प्रयास करके प्रचार करना चाहिए, अधिकतम बहुत तो प्रचार नहीं करने का है, इस प्रकार का कार्य मत कीजिए। प्रचार कार्य में अपने आप को लगाइए, शुद्धता में अपने आप को लगाइए, ये तो क्या होगा, ये तो भगवान का वैभव होगा, आप उस वैभव का हिस्सा नहीं होइएगा। भगवान का वैभव ऐसे ही रहेगा, लोगों को एग्जांपल भी दिया था, हैं? आज महाभिषेक होना था, अगर सपोज कीजिए मैं नहीं गया होता तो क्या महाभिषेक रुक गया होता? भगवान का वैभव ऐसे ही चलेगा, हम उसका साथ दें, हम उसके साथ रहें तब भी और नहीं रहे तब भी, बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ना वो नहीं है। इनफैक्ट कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए आज यहीं पे विराम देकर के कल परसों पहले इसको खत्म कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है, पहले इसको खत्म कर लेंगे, फिर वापस से हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ेंगे। तो एक दिन पहले प्रभु श्री राम के अपीयरेंस डे और नेक्स्ट डे, ये तीन दिन मिलकर के हम लोगों ने कैंटोन 9 का चैप्टर 10 और चैप्टर 11 कंप्लीट करने का प्रयास किया, शायद कल सफल हो जाए, बहुत ज्यादा है नहीं, आई डोंट थिंक आधा घंटा भी लगेगा, परंतु आज अगर कर लेंगे 27 श्लोक आज अगर कर लेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग बोले तो मैं आज भी कर सकता 36-9 श्लोक है ना, अगर आप लोग चाहें तो हम आज भी कर सकते हैं, परंतु थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2 घंटे का क्लास तब भी हुआ था ना, थोड़ा हैवी हो जाएगा, फिर क्या फायदा, कल वापस से एक बार कंप्लीट कर लेंगे। यस, आज ही करना है, बोल दीजिए, मेरे को कोई इशू नहीं है, ज्यादा अच्छा मेरे हिसाब से यही है कि, परंतु चलिए ठीक है, आप लोग बता दीजिए, ज्यादा हो जाएगा कोई, बाकी लोग बता दीजिए, हैं? मेरे को कोई इशू नहीं है, आज ही करना है। अच्छा, यस, बाकी लोग बता दें, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताइए, अश्लीषा माता जी वोट काउंट कीजिए, आप वोट काउंट कर लीजिए, जो जो आप लोग बोल देंगे वो मैं कर लूंगा, जल्दी से बताइए क्या करें, यस क्या, यस क्या, आज ही करना है, आज ही करना है। ऋषा माता जी माइनॉरिटी में आगे लगता है, और कोई ऋषा माता जी का साथ दिया नहीं है, राघव प्रभु जी कल बोले हैं, यस कंटिन्यू, चलिए ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं, 10:30 तक क्लोज करने का कोशिश करेंगे, 10:30 पे क्लास ऐसे भी एंड होती है, ठीक है, कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलिए श्लोक नंबर 26, श्लोक नंबर 26 करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, जिनको जिनको लेट लग रहा है वो कल वीडियो सुन लीजिएगा, ठीक है, अब 9 श्लोक बाकी है, वो कम पढ़ लें, यस, कौन म्यूटेड है, हरे कृष्ण, सरिता माता जी म्यूट कर दे रहा हूँ, शायद गलती से आप म्यूट हो गए,
चलिए जल्दी से हैंड रेस कीजिए, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, है ना। ओके श्लोक 27 ठीक है। राघव प्रभु जी हरे कृष्ण प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्णा। हरे सारी महल महलों के द्वार सभा भवन चबूतरे मंदिर तथा अन्य ऐसे स्थान सुनहरे जल पात्रों कलशों से सजाए और विभिन्न प्रकार की झंडियों से अलंकृत किए जाते थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत तरीके से अलंकृत किए जाते थे। ठीक है ओके ओके विपुल प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जहाँ कहीं भगवान रामचंद्र जाते वहीं केले के वृक्षों तथा फल फूलों से युक्त सुपारी के वृक्षों के स्वागत द्वार बनाए जाते थे। इन द्वारों को रंग बिरंगे वस्त्र से बनी पताकाओं बंधन वारों दर्पणों तथा मालाओं से सजाया जाता था। हरे कृष्णा। देखिए प्रभु श्री राम जहाँ पे भी जाए अब देखिए क्या है भगवान है ना अपने बारे में प्रकट नहीं होने देते हैं। अपने बारे में प्रकट नहीं होने देते हैं क्योंकि फिर वो लीला में वो आनंद नहीं आएगा सबको भगवान की तरह पूजने लग जाएंगे तो अपने बारे में प्रकट नहीं होने देते परंतु उनकी आभा इस प्रकार की होती है कि सबको ही उस आभा के प्रति समर्पित होकर के फिर उनका महिमा गानी करता है। एक्चुअली में हमारी शुद्धता यही है कि हम महिमा गान करें। इनफैक्ट देखिए क्या होता है कि आज मैं किन्हीं को बता रहा था कि बर्थडे सेलिब्रेशन की बातें हो रही है प्लीज समझिए अगर मैं अपने बर्थडे के प्रति सजग होकर के बहुत सारा कोई सोच रहा हूं कि देखिए कितना अच्छा लिखा ये इन्होंने क्यों नहीं लिखा इनने क्यों विश किया उनने क्यों विश नहीं किया ये क्या हुआ ये क्या नहीं हुआ अगर मैं ये सोच रहा हूं तो ये ठीक नहीं है। अगर मैं बस इतना सोच रहा हूं कि देखिए होता कैसा है होता ऐसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है होता कैसा है अगर कोई भी विश कर रहा है ना तो वो अपने हृदय में अपने मन मंदिर में मेरा स्थान ऊंचा देख रहा है। एक्चुअली में अगर कोई भी वैष्णव है तो उसका ऊंचा स्थान देखना चाहिए गुरु का सर्वोच्च स्थान देखना चाहिए उससे गुरु से ऊंचा स्थान हमारा किसी का नहीं हो सकता किसी का नहीं हो सकता हमारे लिए किसी का भी स्थान गुरु से ऊंचा नहीं हो सकता। और अगर गुरु का वो स्थान नहीं है तो गुरु नहीं कोई अगर बोल दे कि आपका वो स्थान तो नहीं है हम सर्वोच्च स्थान आपका नहीं रखते वो गुरु नहीं है। तो महिमा गान करके लोग अपनी शुद्धि करते हैं यहाँ पे प्रभु श्री राम की महिमा करके या उनका अलंकार करके हैं? हर जगह सुसज्जित करके लोग अपना अपना शुद्धि करते हैं है ना नहीं तो कोई भी शुद्ध नहीं हो सकता। अगर भगवान का महिमा नहीं करें तो कोई शुद्ध होगा सब अपराध करते रहे। ओके हमारी शुद्धि इसी में है अभी 4-6 में भी जाना था ना भगवान क्या हमसे अपना नाम जपाना चाहते हैं क्या नहीं अगर हम नाम जपेंगे तो हम शुद्ध होंगे है इसमें भगवान का लाभ नहीं है। हाँ हरे कृष्ण। हाँ अश्लीषा माता जी हरे कृष्ण गुरु जी। भगवान रामचंद्र जहाँ कहीं भी जाते लोग पूजा की सामग्री लेकर उनके पास पहुँचते और उनके आशीर्वाद की याचना करते वे कहते हे प्रभु जिस प्रकार आपने अपने सुपर अवतार में समुद्र के नीचे से पृथ्वी का उद्धार किया उसी तरह अब आप उसका पालन करें हम आपसे यही आशीष मांगते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो भगवान सभी की रक्षा करते हैं है ना तो सब कोई भगवान की महिमा करके
सभी की रक्षा की कामना करते हैं। ठीक ओके। प्रजा का पालन करने वाले राजा ही होते हैं। अरे राजा और सम्राट में फर्क समझ में आया? सम्राट वो जिसके अधीन बहुत सारे राजा होते हैं, है ना। उच्च सिद्धांतों का पालन सम्राट के कहे अनुसार ही होता है, और सम्राट कोई भी होता है वो राजगुरु के अनुसार कार्य करता है। इसका भी वर्णन शायद आज ही हम लोगों ने पढ़ा था, मेरे को ढंग से याद नहीं आ रहा, शायद आज ही पढ़ा था। ओके प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्पश्चात दीर्घ काल से भगवान का दर्शन न किए रहने से नर तथा नारी उन्हें देखने के लिए अत्यधिक उत्सुक होकर अपने अपने घरों को त्याग कर महलों की छतों पर चढ़ गए। कमल नयन भगवान रामचंद्र के मुख मंडल का दर्शन करके न अघाने के कारण वे उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। हरे कृष्णा। जैसे आज जाना था, विग्रह का दर्शन करते हैं और जब निकलते हैं, बहुत लोग इस बात का, इस भाव का, इस हृदय का अनुभव किए क्या? जैसे ही निकलते हैं हमारा अनुभव कैसा होता है, वापस चल करके एक बार विग्रह को देख लेते हैं, अच्छे से देखा नहीं है ना। तो भगवान का दर्शन जितनी बार भी करें, जैसे ही हम दर्शन करना छोड़ें, जैसे ही हम भगवान का दर्शन ना करें किसी पल, हमारा यही हृदय है ना। तो दीर्घ काल से भगवान का दर्शन नहीं किया है, ये दीर्घ काल क्या हो सकता है? एक पल भी दीर्घ काल हो सकता है। अगर भगवान के विरह में हमने एक पल काटा तो बहुत दीर्घ काल हो गया, हम बहुत बड़ा काल बीत चुका है, है? हमने उतने समय से भगवान का दर्शन नहीं किया, ये भी होता है। भक्त हमेशा भगवान के विरह भाव में रहते हैं, है? कितना कम भगवान का दर्शन। हरे कृष्ण गुरु जी। तत्पश्चात भगवान रामचंद्र अपने पूर्वजों के महल में गए। इस महल के भीतर विविध खजाने तथा मूल्यवान अलमारियां थी। प्रवेश द्वार के दोनों ओर की बैठकें मुगे से बनी थी। आंगन विदुरिय मणि के खबों से घिरा था। फर्श अत्यधिक पॉलिश की हुई मरकत मनी से बनी थी और नींव संगमरमर की बनी थी। सारा महल झंडियों तथा मालाओं से सजाया गया था एवं मूल्यवान चमचमाते मनियों से अलंकृत किया गया था। महल पूरी तरह मोतियों से सजाया गया था और धूप दीप से घिरा था। महल के भीतर के स्त्री पुरुष देवताओं के समान थे और वे विविध आभूषणों से अलंकृत थे। ये आभूषण उनके शरीरों में पहने जाने के कारण सुंदर लग रहे थे। हरे कृष्ण। श्रेष्ठ विद्वान पंडितों में अग्रणी भगवान रामचंद्र ने उस महल में अपनी अलाविनी शक्ति सीता देवी के साथ निवास किया और पूर्ण शांति का भोग किया। हरे कृष्ण। प्रज्ञा माता जी, लास्ट श्लोक है। हरे कृष्ण। धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन किए बिना उन रामचंद्र ने, जिनके चरण कमलों की पूजा भक्तगण ध्यान में करते हैं, जब तक चाहा दिव्य आनंद की सारी सामग्री का भोग किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के नवम स्कंध के अंतर्गत भगवान रामचंद्र का विश्व पर राज्य करना नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब तक चाहा दिव्य आनंद सारी सामग्री का भोग। एक्चुअली में भगवान को भोग करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, है ना।
भगवान को भोग करने की आवश्यकता है, भगवान से ही सब कुछ उद्भूत हो रहा है, उनको क्या भोग करना है। भगवान की इच्छा अनुसार ही कुछ भी जीवित है, कोई भी अस्तित्व में है, भगवान की इच्छा अनुसार ही है, उनको क्या भोग करना। ये भगवान की लीला है, भगवान के कार्यकलाप इस प्रकार है ना। तो भगवान को भोग करने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी भोग करते हैं। तो यस, देखिए परम भोक्ता मात्र कृष्णा ही है, ऑल्दो उनको किसी चीज की भूख नहीं लगी है, वो हमारे प्रेम पे भी आश्रित नहीं है, हमारे प्रेम से बद्ध जरूर हो जाएंगे, हमारे प्रेम के प्रति समर्पित हो जाएंगे, परंतु हमारे प्रेम पे आश्रित नहीं, परंतु फिर भी कितनी कृपा करते हैं, हम सभी को मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, इस मार्ग से हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं। इसी श्रृंखला में हम लोगों ने कल और आज में श्रीमद् भागवतम नवा कैंटो का 10वां 11वां अध्याय समझने का प्रयास किया। जिनकी नी को भी कुछ नहीं समझ में आया हो, कुछ भी त्रुटि लगी हो, कुछ भी आधा अधूरा समझ में आया हो, वो बारंबार पूछ सकते हैं। मेरा रिक्वेस्ट हर बार एक ही है, हर बार बस एक ही रिक्वेस्ट, बाकी सारा कार्य होते रहे, रिक्वेस्ट बस एक। दृढ़ता से आज्ञा पालन करने का प्रयास कीजिए और जीवन का लक्ष्य वो प्राप्त कीजिए। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किसी की कोई जिज्ञासा हो तो वो ले सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, वही हैंड रेज, वैष्णव प्रणाम जल्दी मानसी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे वांछकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंदु की जय। कृष्ण पे अमृत शिल प्रपात की जय। भगवत गीता श्री भागवतम चतुर्थ चतुर्थ की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए प्लीज, मैं ये सुनाने के लिए नहीं करता या फिर किसी को जताने के लिए नहीं करता, मैं बस ये बताने के लिए करता हूँ कि आप लोग इस भाव को समझिए और फिर थोड़ा अगर सुधार कर सकते हैं, ये समझ करके सुधार कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। देखिए सच बता रहा हूँ, मेरी तबीयत कल भी खराब थी, आज भी खराब, ठीक है, बाई एनी चांस आप लोगों को ऐसा लगा क्या कि मैं क्लासेस नहीं ले रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? एक्स्ट्रा क्लासेस कर रहे हैं और लंबी लंबी क्लासेस कर रहे हैं। सुबह क्या बोला था, 1 से 1:30 बोला था, ऑलमोस्ट 2 बजे तक क्लास हुई थी, फिर लगा कि आप लोग नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, वापस से 4 बजे फिर से क्लास है 2 घंटे बाद, तो समय फिर से कैंसिल, मतलब जल्दी से एंड किया था, 1:57 कह रहा हूं, वो भी 1 घंटे की क्लास थी, फिर 4 to 6 फिर एक और क्लास थी,
ठीक है, फिर 9 पीएम वाली क्लास हुई। और यहाँ पे मेरे को देखिए, अगर आप लोग और चाहते हैं और पढ़ना और समझना और कुछ करना और कुछ भी करने के लिए तैयार, परंतु ये सब कुछ करने के बाद बस एक बात जान लीजिए, लक्ष्य के लिए बता रहे हो, लक्ष्य के लिए कार्य कर लीजिए। लोग बहानेबाजी करते हैं, प्रभु जी मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। एक बात जानिए, अगर मैं एक लाइन भी गड़बड़ बोल दूं तो आक्षेप करने वाले बोलने वाले बहुत सारे लोग हो जाएंगे, प्रभु जी ये बात बोल दी है, वो हो गया है। कितने लोग हैं जिनको मौका नहीं मिला ज्वाइन करने का, हैं? अब सोच के देखिए, आप एक मिनट भी अगर छोड़ रहे हैं, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, और भी कोई कार्य है वो भी करने के लिए बता दीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं नहीं पीछे हट रहा। परंतु बहुत सारे लोग हैं जो दृढ़ता से पालन नहीं करना चाहते। क्या चाहते हैं? मैं छोड़ दूं, मैं बोलूं आप जैसे चलना आप वैसे चल लीजिए, क्या चाहते हैं? हैं? मैंने जब कल बोला था तो मैंने ये तो नहीं बोला था कि इंटरनेट चलेगा तो मैं क्लास लूंगा। इतने दिनों से मोबाइल का इंटरनेट पे चल रहा है मेरा, मैं कोई बहानेबाजी तो नहीं कर रहा, चाहे कोई भी कारण, प्लीज कोशिश कीजिए कोई भी कारण ना बनाइए, आप लोग भी कोई भी कारण नहीं बने, नहीं तो मेरे को बता दीजिए, प्रभु जी और ऊंचा मापदंड पे चलिए आप ये भी कर लीजिए, मेरे लिए बड़ा आसान था। बहुत लोग फोन कर रहे थे, बहुत लोग मैसेज कर रहे थे मेरे को, सुबह जब चैंटिंग जैसे ही रुकी थी मेरे को फोन आ रहे थे, जब प्रेयर हो रहा था तब भी फोन आ रहे थे, पता नहीं किन्हीं ने सुना हो नहीं सुना, प्रेयर हो रहा था तो फोन का घंटी बज रहा था। मेरे लिए बड़ा आसान था, परंतु देखिए बस एक रिक्वेस्ट है, अब रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लीजिए ना, और अगर नहीं करने का अभी भी इच्छा नहीं है, अभी भी कुछ है हृदय में प्रभु जी ठीक है बाकी सारी बातें तो ठीक है, बट ये वाला है ना ये अभी भी ठीक नहीं, आप बताइए क्या ठीक करना है, मैं करने के लिए तैयार हूं, बस फिर उसके बाद मान जाइए फिर भक्ति कर लीजिए, है ना। चलिए सुनते हैं कीर्तन 5 मिनट, उसके बाद फिर आज यहीं पे डिसकंटिन्यू करके फिर कल कंटिन्यू करेंगे, सॉरी। हरे कृष्णा, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी पूछना, कुछ भी जानना है, मुझे बता दीजिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, और भी जिनको और भी कोई कार्य है बता दीजिए, मैं अभी भी वो करने के लिए तैयार, ठीक है, परंतु फिर उसके बाद भक्ति कर लीजिए, उसके बाद आज्ञा अनुसार चल लीजिए, बस इतना ही रिक्वेस्ट, और कोई रिक्वेस्ट, उसके बाद नाम प्रचार कर लीजिए, उसके बाद सेवा कर लीजिए, बारंबार एक ही चीज बोलते। इनफैक्ट आप सभी को विपुल प्रभु जी का वो लेटर पढ़ना चाहिए, इट्स नॉट बिकॉज कुछ ग्लोरीफाई किए, मेरे को अपना ग्लोरिफिकेशन नहीं सुनना, मेरे को ग्लोरीफाई करके मेरे को कोई आनंद नहीं आता, परंतु आप इस बात को जानिए कि वो सही है कि नहीं है, और नहीं है तो साफ साफ बोलिए नहीं है वो सही, नहीं है वो सही, बोल दीजिए सही है तो फिर कार्य कीजिए, छोड़िए जो भी हो रहा है जो नहीं हुआ
सब हटाइए, काम कीजिए बस। चलिए कीर्तन सुनते हैं। हरे कृष्ण। Thank you.